तो फाइनली अभी देखिए बंदा दी चोखा बना आखिर तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, जितना भी कपड़ा सूख गया था सारा कपड़ा लेकर आ गए फोल्ड करने को। उसके बाद पतिदेव भी अपना यहाँ पे लग गए हैं, कितना कपड़ा तो हम लोग फोल्ड करके रख दिए हैं और कितना भी फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू भी हमारी बोल रही कि पापा मुझे ये पहनना है, मम्मा मुझे ये पहनना है, लेकिन तो यहाँ पे यार देखिए पहना भी रहे हैं। और यहाँ पे बाबू ने कपड़ा पहन लिया, फिर उसके बाद बहुत परेशान करती कि नहीं ये वाला नहीं ये वाला। बच्चा है, कपड़े की भी बहुत शौक है उसको और जूता चप्पल का भी बहुत शौक है। तो मैंने आज आमंत्रित किया है वंदना दीदी और चंदन जीजा को, यानी DK जीजा को, कि आ जाइए हमारे घर, आप सबको लिट्टी चोखा बना के खिलाते हैं। बोले क्यों? हम बोले ऐसे ही खुशी है हमारी, आ जाइए बना के खिलाते हैं। आज हमारे ससुराल में पहला दिन था, हम अपने ससुराल में पहले दिन गए थे, 17 जून को हमारी विदाई हुई थी, तो इसलिए समझ लीजिए पहला किचन है हमारा, रसोई है, इसीलिए आ जाइए। तो बोलना ऐसा चलो ठीक है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। यहाँ पे बाबू देखिए फिर से स्कर्ट पहन ली, तो स्कर्ट पहनने के लिए रोने लगी थी, तो इनके पापा ने पहना दिया। और यहाँ पे हम लोग TV भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, कपड़ा भी फोल्ड कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब पति पत्नी ऐसे मिलजुल के काम करते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम हो बस थोड़ा सा हाथ भी लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो सुकून मिलता है कि हाँ चलो अकेले कर रहे थे कि चलो कोई कर तो रहा है। तो यहाँ पर सारा कपड़ा फोल्ड हो गया, अब लेकर जाएंगे अलमीरा में रख देंगे। पहले भी मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और कुछ नया कुछ पुराना दोनों कपड़ा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैडम जी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई नहीं कर रही हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है घर के राशन का सामान जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आज भैया इनकी एनिवर्सरी खुशी में घर पे भी छोटी सी पार्टी है, पता नहीं कितना पार्टी करेंगी ये। बहुत पैसा लग जाएगा यार। अरे दाल साल छोड़ो, पहले आज के लिए देखो, कल का छोड़ो पहले, कल का तब कल कौन लाएगा, बार बार तो जाओगे कैसे, मैं लेके आऊँगा यार, तुम्हारा दिमाग नहीं सही है क्या? मैं एक ही बार जाऊंगा, सारा बाहर और सब घूम के आऊंगा। बाहर घूम के आओगे? बाहर पूरा एक ही बार घूम घाम के आ जाऊंगा ना। मेरा धनिया हो गया, बाबा आऊंगा जाऊंगा, अच्छा लगता ना। देखो आलू प्याज गरम मसाला लहसुन टूटा हुआ है, वही जो टूटा रहता है, टमाटर देसी, और देसी टमाटर लेना खट्टा रहता है। अरे बैंगन तो भूल ही गए। अरे इस टाइम बैंगन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, खा सकते हो, दुनिया खा रहा है नहीं तुम्हारे लिए। अरे आज एकादशी है शायद यार, तो आज भैया चावल नहीं बनेगा घर में, तो पानी के लिए बोले हो? पानी बोले, आ जाएगा पानी। पानी कब तक आएगा? बोला पानी है। अरे तेल, तेल सरसों की तेल लिख दो, एक एक चीज याद आ रहे हैं। एक बड़ा सा झोला दे दो मुझे, मैं उसी सब लेके आता। ये बोले बाबा सरसों का तेल और जीरा है, गरम मसाला लिखे है, पिसवा लेना ठीक है? ठीक है, चलिए गाइस बने रहिए, आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस आज एनिवर्सरी का दूसरा दिन है, शादी का दूसरा दिन है, कोमल आज के दिन कोमल आएगी ससुराल, विदाई होके आ रही है, देखो बारिश हुआ था। हाँ, और घर पे भी छोटा सा पार्टी है आज, लिट्टी बाटी का। आज तो के दुल्हन में तैयार हो गए, इतना गर्मी में दुल्हन, हम कल ने पार्टी में खाना नहीं खाया, तुम लिए तो छोड़ दिए, इसलिए तो आज बनाया। आज हम भी थोड़ा सा खाए थे, हम कल खुद नहीं खाए थे, अब चमेलिया ये चमंगोर आई थी, पता नहीं क्या खाए मन नहीं कर रहा था गर्मी से, नहीं स्नैक हो गया था। तुम देखो बहुत गुच्छार काटती है, देखो देखो यहां यार, तो ऐसे नहीं काटा जाता है, हमारा 1 किलो आलू तो छिल लो, ऐसे आलू नहीं काटा जाता है, छिलने ना लगा यहां पर, तो लो यहां पे देखिए ननद हो जाए मिल के काम करेंगे फटाफट, तो आग लगा यार, देखो छिलनिया से अच्छा करने लगा यार, छिलनिया सही छिल रहा है, मेरी मुरी मम्मी तो ऐसे ही इतना जोर जोर लगाई से आई, क्या छिल के बता देते इनके, तो थोड़े आलू छिल, देखा एकदम हल्का, देखा कितना पतला हो गया, हम छिलते नहीं है ना, उसी खाओ इनके कहां से खाओ, अरे सब रहते हैं सब सब्जी उसी काटते हैं, हम तो बहुत कुछ सिखाते हैं, इनको सीखती नहीं है, कहां सिखाओ था तू हमें, ए तो यार मिया का होए उबाल जाए चोखा बने यार, उबाल के जे खाए चोखा हो जाए धोखा, जल्दी हो जाए इसे ना।
तो यहाँ भैया गए चोखा और अभी तैयारी चल रही है। रात के बज गए 9:30, तो अभी आधे घंटे में बन जाए। मुझे लग रहा है कि दो हाथ लगा हुआ है। आप चले गए थे सामान लेने, नहीं तो और जल्दी हो जाता है। तो हम बनाएंगा लिट्टी चोखा, क्या होगा तभी तो बनाएंगे। क्या बेटा, जीजा बोले थे 8:30 आएंगे, आते आते तब पर भी 9:00। हम 1 घंटा जो की बताए थे, हम मुझे लगे 1 घंटा ज्यादा बता। हम लोग उस टाइम ब्लॉग डाल रहे थे। हां गरम क्या कितना ब्लॉग। बैठ जाओ जी सर। अरे लेकिन जीजा एक्साइटेड में कुछ बोल रहे थे। और सोनाक्षी भी साथ में हाथ में बैगन कर लेके धुल रही है अच्छे से। बच्चे होने के बाद मन नहीं करता। हम भी जब बच्चा नहीं था बहुत आइटम बनाते थे। अरे पहले जब ये आई थी ना, बहुत बढ़िया से थाली में खाना, एक तरफ से कटोरी में लेके चावल, कटोरी में एक तरफ नया नौ दिन लगे पुराना रोटी। हाँ रोटी में बटर वटर लगा के। अरे यार सब लपेट गए, तीखा नहीं हुआ ज्यादा। तो चलिए छोटा सा मिनी ब्लॉग था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो देखना है तो मिलते हैं, शेयर करिएगा। तो गाइस सब कुछ देखिए, कुकर में वहाँ चढ़ा दिया है बन्ना दी ने, और यहाँ कोमल आटा लगा रही है लिट्टी के लिए, और वहाँ धनिया काट के रख दिया है। बच्चे साइड सुबह मस्ती कर रहे हैं, तो चलिए आटा गूंथ लेती है, उसके बाद तैयारी होगी। बाकी बन्ना दी ने वहाँ कुकर चढ़ा दिया है, आलू है, चोखा बनेगा, लिट्टी तैयारी कर हो रहा है। गाइस देखिए आटा रेडी हो गया इनका, और लिट्टी के लिए बना रही गोल गोल लोई। इतना छोटा सा लिट्टी बनाओगी? अरे वो फूल जाएगा उसमें। गर्म हो गया है? हाँ रखे हैं। कहाँ गैस कहाँ जला है? बोले आपको जलाने के लिए। चलो कोई नहीं, अभी रुक जाओ अभी थोड़ा। अरे इसको गर्म पहले बना ले। नहीं है, गर्म है, हम जलाए थे बंद कर दिए। चोखा देखिए हम छा लिट्टी कहाँ होगा। ठीक है अभी ना उसमें और फूलेगा, इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं। तो फाइनली अभी देखिए बंदा दी चोखा बना रही बढ़िया वाला, एकदम बड़ा रंगीन लगा था चोखा यार। और यहाँ कोमल लिट्टी की तैयारी कर रही हैं। बाबू इसमें तो टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं यार। बनता रहेगा, सब खाते रहेंगे, क्या करेंगे। अरे पानी डाले तो भी टमाटर पानी। देखिए कह रही चोखा अच्छा लग रहा है देखने में। हो जाएगा ना इतने में सबको? होगा फिर तो कितना टाइम लगेगा। एक तरफ तो खाना पीना बन रहा है, तो देखिए बेड का तहस नहस कर दिया है बच्चों ने। चलो कोई नहीं, बच्चे इकट्ठे रहेंगे, अभी हम सही करवा देते हैं। बाबू बेटू इधर आओ, क्या कर रही हो? अरे 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 एसी कहाँ है? एसी एसी में चल रहा है, बाकी था किचन में तो वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहा है। खट्टा रहे बस। अब मिर्चा सही बात तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में यार। हम ऐसे बनाए थे तब वो धनिया कम लगा था। अरे यार धनिया कितना डाल, वो कम लगे का 1 किलो डाल दे, वो कदर नहीं हुआ। धनिया 10 का लाए थे, बड़ा महंगा है धनिया। अरे धनिया 15 का 50 का, 20 का लाते हैं, 2 दिन चलता है मेरा। 10 का लाते एक बार डाले फिर सूख जाता है। एक कपड़ा भिगा के रखना पड़ेगा। नहीं पन्नी में करके रखोगे, बांध के नहीं, अगर ऐसे रखोगे तब सूख जाता है। हम ऐसे ही रखते हैं, पन्नी में बांध के रखेंगे नहीं सूखेगा। नहीं सूखेगा पन्नी में, माता एक हफ्ता ऐसे रखा। अरे और का ऐसे हरा ही रहेगा, हरा ही रहेगा, पन्नी में बांध के रखो। टेस्ट कराओ भाई, यहाँ चोखा रेडी हो गया। हम टेस्ट नमक हल्का कम है, बाकी सब सही है। नमक भाई नमक डाल रहे हैं। तू सब नमक तेज खाबो करा था। अच्छा ठीक, थोड़ा डालना, ज्यादा मत डालना। एक बार पहले चेक कर लो तुम ना। तो भैया बढ़िया बनाए चोखा, अगर हम खा लिए हैं, टेस्ट मतलब टेस्ट कर लिए, खाए क्या है, खाएंगे तो लिट्टी के साथ भी लिट्टी बन जाए यहाँ पे। तो चलिए अब बन जाता है, तब आपको पूरा दिखाएंगे फाइनल। घुमाए तो बन गया लिट्टी है, बड़ा बढ़िया। देखो फूला है नहीं, छोटा सा डाले थे इतना छोटा, इसमें आने के बाद वो फूल जाता है। तुम्हारे दिमाग का भाग देना पड़ेगा, पारी करना पड़ेगा ज्यादा।
हम भी किसी का देख के ही बनाए थे। हम बनाए किसे बनाए थे? हम दीदी का देखे थे अपने। तो दीदी हम बनाए थे जैसे कि बगल वाली से मंगाए थे टिक्की वाला बाटे भी देखे हैं। अच्छा, लेकिन बड़ा टाइम लगा था जी उसमें। इसमें जल्दी बन जाता है। हम लोग की मम्मी ने बताया इसे लिट्टी तवे पे बनाई जाते थे पहले दोपहर पे जब हीटर पे जिस दिन खिचड़ी उचड़ी बनता था पहले। हाँ, तो चोखा और लिट्टी इसे हीटर पे बना देते थे। सही है। तो फाइनली देखिए यहाँ बन गया है और जा रहे हैं जीजा जी। नहीं जी, ए जीजा जी बैठिए, आइए बेहतरीन बच्चों के लिए भी लाइए फटाफट। तो कितनी गाइस देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। जीजा जी सब इसका फीडबैक लेते हैं। अच्छा, सब भी बैठ गए हैं। अच्छा जीजा चार आम का नहीं है, वो मर्चा का है। मेरे क्या आम का नहीं है, हम सोचे भूल गए नहीं तो मंगा लेते आपसे। मर्चा का वैसा मर्चा नहीं है भारती। चलो देखो सबको खाने कर लेगा बेहतरीन एकदम।